हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ कॉर्ड सेट हॉल। तो मैंने मीशो और फ्लिपकार्ट से कुछ कॉर्ड सेट मंगवाया था, वो मुझे रिसीव हो गया है। मैं उसी का आज रिव्यू करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। वीडियो एंड तक जरूर देखना और एक लाइक तो करके जाना। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है ये टॉप और स्कर्ट सेट। इसका जो कलर है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। समर सीज़न के लिए एकदम परफेक्ट है, समर सीज़न आ ही रहा है। और इसमें मिलता है आपको एक स्कर्ट और एक टॉप। इसका जो टॉप है इसमें नोडल स्ट्रिप है, आप लोग देख सकते हो। ये इसका साइज़ है मेरा एस। और इसका जो क्लॉथ फैब्रिक है पॉलिएस्टर है, बहुत ही पतला वाला नहीं है, बहुत ही थिक मटेरियल है और स्ट्रेचेबल है, ये आप लोग देख सकते हो। मुझे तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा लगा। इसका प्राइस है ओनली 369। स्कर्ट की जो लेंथ है बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, नी से थोड़ा सा ऊपर है मेरे लिए। मेरा हाइट है 5.3 और इसमें इलास्टिक दे रखा है। इस इलास्टिक की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा दे रखा है। और इसमें कट स्टाइल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये स्कर्ट और टॉप से मैं ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊँगी। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये फैब्रिक ना पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। पॉलिएस्टर मटेरियल है, मुझे फैब्रिक अच्छा लगा, बहुत ही स्ट्रेचेबल है, आप लोग देख सकते हो, अच्छा है क्लॉथ। मैं इसे एस साइज में ऑर्डर कर दिया, मुझे एक्सेस साइज में ऑर्डर करना था, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगी। जैकेट और स्कर्ट सेट, इसका जो प्रिंट है ना पिक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आता है एक जैकेट, इसकी जो फैब्रिक है कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स है। इस ड्रेस की जो जैकेट क्वालिटी है ना बहुत ही मस्त दे रखा है, आप लोग देख सकते हो। अंदर लाइनिंग भी दे रखा है और यहाँ पे ना स्पून्स लगाया हुआ है अच्छा दिखने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती हूँ, अंदर फिक्स करके लगाया है यहाँ पर है, यहाँ पर स्पॉन्ज है और फुल स्लीव है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे डिजाइन कुछ इस तरह से है और यहाँ पे दो बटन दे रखा है, ये देख सकती हो। जैसे पिक्चर में दिखाया है सेम ही आया है, लेकिन इसका प्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने बताया ही है। स्कर्ट और जैकेट की जो फैब्रिक है सेम ही दे रखा है। स्कर्ट की डिजाइन कुछ इस तरह से है, पिक्चर से सेम ही है। और यहाँ कट लगाया हुआ है, यहाँ देख सकते हो, इसका डिज़ाइन ऐसा है, फिर से कुछ इस तरह से है, फिर से यहाँ इलास्टिक दे रखा है तो पहनने में आसानी होती है। यहाँ कोई भी जिप नहीं है। 715 इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अर्बानिक मेस्टर की ड्रेस की जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा है। मीशो पे बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है आप लोगों को 715 ओनली, आप लोग ले सकते हो 100%। मैं इस ड्रेस को एम साइज़ में मंगवाया है, लेकिन मुझे एस साइज़ में मंगवाना था, तो थोड़ा सा मुझे लूज़ हो रहा है आप लोग। नेक्स्ट है ये पर्पल कलर की स्कर्ट एंड टॉप सेट। इसका जो फैब्रिक है वेलवेट मटेरियल में है और पूरी ड्रेस में ऐसे सीक्वेंस वाला वर्क किया गया है। टॉप कुछ इस तरह से दिखता है, फुल स्लीव टॉप है। इसका वर्क देख सकते हो आप लोग, कितने अच्छे से वर्क किया गया है, कोई भी इसमें खराबी मुझे नहीं दिखा है, कहीं से भी निकला हुआ नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका वर्क। और पीछे कुछ इस तरह से है, पीछे यहाँ इलास्टिक भी दे रखा है अच्छे से एडजस्ट होने के लिए, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ। और टॉप की जो नेक है ना स्क्वायर नेक है, आप लोग देख सकते हो, मुझे तो स्क्वायर नेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अंडर कुछ इस तरह से लाइनिंग दे रखा है, आप लोग देख सकते हो, पॉलिएस्टर मटेरियल में। स्कर्ट कुछ इस तरह से दिखता है, ये देख सकते हो, इसमें साइड में कट लगा हुआ है, ऐसा डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ इलास्टिक दे रखा है, इलास्टिक की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। और इस ड्रेस को मैंने मंगवाया है एम साइज़ में, क्योंकि एस साइज़ अवेलेबल नहीं था। मुझे ये ड्रेस ना थोड़ा सा लूज़ हुआ है, साइड में थोड़ा सा स्टिच कर लूँगी तो अच्छे से आ जाएगा मुझे। और यहाँ स्टिच भी कर सकते हो आप लोग अच्छे से। प्राइस है 688। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक लगा, वेलवेट मटेरियल दे रखा है, पूरी ड्रेस में सीक्वेंस वर्क दे रखा है बहुत अच्छी तरह से। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं।
फ्लिपकार्ट से लिया था और इसका कलर है ब्लू और व्हाइट प्रिंट है, ये देख सकते हो आप लोग। समर के लिए एकदम परफेक्ट है, मुझे तो ये कॉर्डसेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। टॉप कुछ इस तरह से दिखता है और इसमें मेरा साइज़ है एस। टॉप कुछ इस तरह से दिखता है, क्रॉप टॉप है और साइड में ऐसे जिप भी है, जिप लगाया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। और अंदर लाइनिंग भी दे रखा है। फैब्रिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, सॉफ्ट फैब्रिक है और समर के लिए एकदम परफेक्ट कॉर्ड सेट है ये। और पैंट कुछ इस तरह से दिखता है, ये देख सकते हो। इसका फिटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और स्पेशली इसमें ना दो पॉकेट है, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। मुझे पॉकेट वाला पैंट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पीछे इस तरह से इलास्टिक दे रखा है, इलास्टिक की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। और इसका प्राइस नॉट ओनली 359 है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसमें भी लाइनिंग दे रखा है, ये देख सकते हो आप लोग, वाइट कलर की लाइनिंग दे रखा है। समर के लिए तो एकदम परफेक्ट है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट है ये येलो कलर की कॉर्ड सेट, इसमें छोटू छोटू सा स्टार पिन बन रखा है। और ये रहा ऊपर का शर्ट, इसमें बटन लगा हुआ है अच्छे से, ये देख सकते हैं। डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है, नीचे कुछ कर्गो स्टाइल है और पीछे इलास्टिक दे रखा है। कॉर्ड सेट की जो फैब्रिक है क्रिप फैब्रिक, पिक्चर में जैसा दिखाया है डिज़ाइन वैसा ही है, लेकिन फैब्रिक मुझे पसंद नहीं आया है। इसका प्राइस मैंने बहुत ज़्यादा पे किया है, 568 में कुछ मुझे ठीक नहीं लगा ये, और क्वालिटी और बेहतर हो सकता था। वैसे कॉर्ड सेट को तो स्टाइल करना ही पड़ता है कुछ ज्वेलरी और जो स्लिंग बैग के साथ, नहीं तो नाइट सूट की तरह ही दिखता है, क्योंकि ऊपर और नीचे का जो डिज़ाइन है सेम ही होता है और कलर भी सेम होता है। इसका साइज़ मैंने एस साइज़ में ऑर्डर किया था, अगर आप लोगों को पसंद आया तो ले सकते हो, लेकिन मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो अच्छा नहीं है। डिज़ाइन सेम ही है लेकिन फैब्रिक अच्छा नहीं है। जो अभी तो समर सीज़न आ रहा है तो समर सीज़न में पहनने में बहुत ही गर्मी लगेगा आप लोगों को, इसलिए आप ना ही लो, वही बेहतर है। यही था, मैंने कुछ मीशो से 2-piece ड्रेसेस ऑर्डर किया था, मुझे कुछ ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, कुछ ड्रेस तो बिल्कुल पसंद नहीं आया है, वो मैं रिटर्न कर दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।